नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। उज्जैन में जनतंत्र सदन कार्यक्रम में शामिल होने आए अभिनेता पीयूष मिश्रा ने कहा कि देश बहुत ही खराब हालत से गुजर रहा है और फिर भी भगवान देश को चला रहे हैं। हिंदुस्तान में दलित समाज के लोगों पर अत्याचार होने की बात पर उन्होंने राजनीतिक पार्टियों पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद हिंदुस्तान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जाति प्रथा का दंश देश आज भी भुगत रहा है। मेरा सभी राजनीतिक पार्टियों से विश्वास उठ गया है और अब तो मोदी जी पर भी विश्वास नहीं रहा। जीएसटी को लेकर पीयूष मिश्रा ने कहा कि अगर लोगों को इतने बड़े कर चुकाना पड़ रहे हैं तो उन्हें पूरी सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें 26/11 मिल रहा है। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां, हम चांद पे, हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे। मोर नींद से कह देंगे लोरी, कल सुनाने आएंगे। मोर नींद से कह देंगे लोरी, कल सुनाने आएंगे। तो ये सभी एक्सट्रीम्स गलत हैं। मतलब मेरा तो अब इन सबसे पॉलिटिकल पार्टी से, मोदी साहब से भी मेरा तो अब भरोसा उठ गया। इस बार 3 साल मैंने सपोर्ट किया था उनको, बहुत सपोर्टिव था उनके लिए। मुझे लगा पॉलिटिकल वैक्यूम था देश में, पॉलिटिकल वैक्यूम कोई नजर नहीं आ रहा था। कांग्रेस इस हद तक ले गई थी कि जो है मैं कहाँ ले जाऊँ, किसको देखें। एक बंदा आया अरविंद केजरीवाल, आया अपेरेंट पैरेलल पॉलिटिक्स, आपके बंदा लाएगा, चलो आशा हो गई थी। अब उनका इल्ज़ाम है कि हमें काम नहीं करने दिया था। आपको मालूम था कि भाई आपके आप बाघों से घिरे हो, आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। आप इसी वादे के साथ आए थे कि हम फिर भी काम करके दिखाएंगे, वो भी फेल हो गए। इसके बाद सर भी जो है आपके, मतलब मोदी साहब का भी मुझे अब तो मैं कम से कम डिसिल्यूजन हो गया। उज्जैन से सुदर्शन सोनी, न्यूज आज। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।